साल से छुट्टी है बच्ची है, 8 साल से छुट्टी सर। आप पैसे ले गए भाई घर के पास से, पैसे लेके चले गए बिना परमिशन के। राजी मर्जी से थी मेरे को कोर्ट में, राजी मर्जी से मेरे को बच्ची थी, वो लिखित में दिया नहीं इनकी। आप बताइए कि आपके ऊपर कॉस्ट क्यों नहीं लगाया जाए, हैंड ओवर दी चाइल्ड टू दी फादर। पिटीशन के साथ रिसाइड कर रही थी भाई, इज दी फादर बायोलॉजिकल फादर सर। एलिगेशन सर ये है इसमें कि इन्होंने हमसे मिलवाने का बोलकर लेके गए। पिटिशनर कौन है? देखिए ऐसे है, ठीक से बताइए फैक्ट्स, पिटिशनर कौन है, इस उसकी कौन है, मदर है क्या? मदर है एंड रिस्पोंडेंट नंबर वन फादर है लॉर्डशिप। इनके 2020 से ये दोनों अलग अलग रिसाइड कर रहे हैं। शुरुआत से पिटिशनर जो कॉर्पस है वो पिटिशनर के साथ रिसाइडिंग थी। 4 साल से छुट्टी है बच्ची है, 8 साल से छुट्टी सर। एंड मोर आप पैसे ले गए भाई घर के पास से, पैसे लेके चले गए बिना परमिशन के। सर इनने राजी मर्जी से दी मेरे को कोर्ट में, बोले निकाल करवा लो, निकाल कर मैं राजी मर्जी से देती हूँ बच्ची है। इनने राजी मर्जी से मेरे को बच्ची दी, वो लिखित में दिया नहीं, इनकी माँ की भी साइन है, इनके पिताजी की और इनकी भी साइन। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की उनकी मर्जी से वो इसके पास रह रही और ये तो आज भी उसको ले जाना चाह रहा है कि भाई पत्नी तो आज अपना रखने को तैयार हो इसको, लेकिन ये आने को तैयार नहीं। इलीगल कंफाइनमेंट कहाँ हुआ ये? नहीं सर ये इन्होंने जो एग्रीमेंट है इसमें ये फैक्ट्स छुपा के करा है। इन्होंने इस चीज का हमको कोई डिस्क्लोजर नहीं, मैंने अपनी पिटीशन में मेंशन करा है, हमें इस बात का कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया गया था कि बच्ची इनके पास में रहेगी। इनका सर सबसे बड़ा फैक्ट जो है कि बच्ची के पास, इसको फिर आप चैलेंज करते हैं ना इसको कि ये इलीगल तरीके से बनाया गया है। पिटीशनर की भी साइन है, इनके माता पिता की भी साइन है। सर मैं अंबर सबमिशन की इन्होंने बताइए कि आपके ऊपर कॉस्ट क्यों नहीं लगाया पिटीशन। सर बच्ची का इसमें आपने ये सप्रेस किया? नहीं मैंने फाइल करा सर, मैंने पिटीशन के साथ फाइल करा, फाइल किया। यस सर मैंने फाइल करा। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ इलीगल डिटेंशन? सर इलीगल ये इन्होंने हमें फैक्ट बताया नहीं था। ऐसे इलीगल डिटेंशन हो जाएगा जब देन देयर इज एन एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू हैंड ओवर द चाइल्ड टू द फादर। सर मेरा वही सबमिशन है कि हमने ऐसा एग्रीमेंट जो है इसमें इन्होंने ये सबमिशन आया था इनकी तरफ से कि हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, ये गलत फर्जी बना दिया तो इसको कैंसिलेशन के लिए आवेदन लगाइए इसको। सर इंस्टेड ऑफ दैट अगर पिटिशनर शुरुआत से कॉर्पस जो है पिटिशनर के साथ रिसाइड कर रही थी विदाउट एडॉप्शन एप्लीकेशन कोर्ट में लगा, इसको ले जा नहीं सकते। सर सेकेंडरी थिंग इज द फादर बायोलॉजिकल फादर। सर इसके अलावा सर पासपोर्ट ने ये कंसिडरेशन दिया है मैटर में कि जो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है ये पैरामाउंट कंडीशन। फिर सेक्शन 6 की एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। हैबियस कॉर्पस में डायरेक्शन दिया कस्टडी देने? नहीं नहीं नहीं, वी विल नॉट गिव डायरेक्शन इन हैबियस कॉर्पस। सर ये एक बार कंसिडर सर, इफ वी नो आवर लिमिट्स, व्हाट इज द स्कोप ऑफ हैबियस कॉर्पस, सर वी कैन नॉट ट्रैवल बियॉन्ड दैट। नहीं ये लिमिट्स इसमें कंसिडर की गई, एक बार कंसिडर करने के लाइए लाइए। इसका जो पेज नंबर 4 है लॉर्डशिप सुप्रीम कोर्ट का है? यस सुप्रीम कोर्ट का है, पेज नंबर 4 का लास्ट पैराग्राफ पे लॉर्डशिप। मैं रीड सर, एक मिनट जरा देखने देखिए सर, सर क्या है, वेदर इट इज हैबियस कॉर्पस और समथिंग एल्स। सर हैबियस कॉर्पस है सर। इसमें इललीजिटिमेट फीमेल चाइल्ड था सर, इललीजिटिमेट, सुप्रीम कोर्ट ने इललीजिटिमेसी कंसीडर करते हुए मदर को दिया था इसमें पोजीशन। मेन पॉइंट जो कंसीडर कर रहा था वेलफेयर पॉइंट पे था, पर इसमें वेलफेयर पॉइंट हैबियस कॉर्पस में नहीं कंसीडर होगा। सर एक बार मैं को एक बार रीड करने का मौका दे दो सर, एक प्लीज सर। पैरा नंबर बच्चा आएगा सर, लेजिटिमेट चाइल्ड है, लेजिटिमेट है बट सर बच्ची को सर आप इन एनी केस इट कैन नॉट बी ट्रीटेड टू बी एन इलीगल कंफाइनमेंट बिकॉज़ दिस चाइल्ड वाज विद द फादर। सर यही तो राइट है, प्रिंसिपल यही लेड करा है कि दो कंडीशनों पे हैबियस कॉर्पस डिसाइड करना है अगर मदर पेरेंट्स जो है मदर फादर और मदर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दे कि अनलॉफुल और इलीगल है कि नहीं, एंड सेकंड कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड किधर कहां पर है, एंड वेलफेयर इज द पैरामाउंट कंडीशन फॉर द कस्टडी ऑफ चाइल्ड। ये इसमें लास्ट जो फोर्थ पैराग्राफ, फोर्थ पेज का लास्ट पैराग्राफ
कंसीडर किया हुआ है ये, मैं इसलिए सर एक मैं रिक्वेस्ट किया, मुझे बताइए आपने अगर स्टार डॉक्यूमेंट जारी किया विद कंसेंट और जब आप बोल रहे हैं कि कपट से कराया गया, बिकॉज सर इन्होंने ये जो एग्रीमेंट जिस पर नहीं बोल सकती अभी तो आपके पास कस्टडी आएगी सर, बट मीनवाइल उसके पूरा फ्यूचर स्पॉइल्ड हो जाएगा सर, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रही है सर, आप उसमें देख सकते हैं एक जजमेंट दे दो मेरे को कोई भी सर, हैबियस कॉर्पस में अपन ये सब कंसीडर कर सकते हैं इलीगल डिटेंशन just to pressurize and just to create problems for the other single file is theek hai result isko aisa karo kiski copy de iski copy de di sir pe file on petition ke sath mein file de sir joined hai kaun sa annexure sir annexure jo hai p4 hai page number 17 pe maine file kara hai sir bataya tha I haven't subtracted any fact from this honorable court lordship but at the last only submission is that future of the child mein kindly discuss nahi kiya hai par jab argument karte tab nahi dikhate wo document notice ho gaya uske baad mein fir apne sir separation hota hai ek pura nahi sir maine at the time of the argument he submit kiya we are loaded with cases we cannot go through each and every page it is your duty अब एक बच्ची का आपने बताया इलीगल डिटेंशन लेके भाग गया हमने नोटिस कर दिया भाई वो भी बहुत इंसिस्ट करने के बाद में पहले हम अभी हम नोटिस कर रहे थे आपका केस क्योंकि मदर फादर का केस था ये अगर आप दिखाते ना ये जो अभी दिखा रहे पेज नंबर 17 यस तो पिटीशन वही डिसमिस हो जाती है एक सेकंड के अंदर आपने बताया नहीं एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट सर आई रिमेंबर एवरीथिंग डोंट वरी आपने बताया कि नहीं बताया बताइए खुद बताइए मैंने बताया सर मुझे सप्रेस करना तो मैं साइन नहीं करता सर अंदर पिटीशन में सबमिट नहीं करता सर अभी कोई आपने अभी ऑर्डर पास कर दो यस रखिए सर नहीं बताया एग्रीमेंट के बारे में आप भी बोल रहे नहीं बताया ये सबमिशन दिया हुआ था ज्यादा दिन नहीं हुआ ना अभी अभी तो नोटिस किया नहीं अभी लास्ट वीक लास्ट मंथ का ही ऑर्डर से पहले चैप्टर का ही ऑर्डर सर चलिए कुछ ही